इसको हम इजीली ओपन करेंगे। रहमान रहीम, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल बाय परवेशा। तो आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है लॉक कार्ड, ठीक है, तो जो कि बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमें चाहिए होगी ग्लू, सीजर, स्कोरिंग टूल, पेंसिल, कुछ चार्ट पेपर्स और स्केल। हमें क्या करना है, हम एक शीट लेंगे जिसकी मेजरमेंट 13x20 सेंटीमीटर। 13x20 सेंटीमीटर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद स्कोरिंग टूल की मदद से इसको एक लाइन स्कोर कर लेंगे, दोनों साइड पे हम लाइंस स्कोर कर लेंगे। फिर स्कोर लाइन को हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से। हमने सबसे पहले स्कोर लाइन स्कोर की और उसके बाद हमने इनको फोल्ड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड से भी 1.5 और इस साइड से भी 1.5 का मार्जिन रखेंगे, लाइक दिस, 1.5 एंड 1.5, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको भी टर्न कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम दूसरी तरफ इसको टर्न कर लेंगे, लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो हमारे पास साइड है, ठीक है, ये और ये हमारे पास जो एक लाइन है, ठीक है, इस पार्ट को हम कट कर लेंगे और इस पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और इसको भी हम इसको टर्न कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो साइड है वो हमारे पास इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको भी हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारे पास इसकी लुक आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम 2 शीट्स लेंगे। ये है हमारे पास 1.5 बाय 9 सेंटीमीटर, 1.5 बाय 9 सेंटीमीटर। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 1.5, 1.5, 3 सेंटीमीटर, 1.5, 1.5, ठीक है। इस तरह से हमने इसको दोनों शीट्स को डिवाइड कर लिया और उसके बाद हमने लाइन स्कोर कर लिया और इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करेंगे सबसे पहले हम इस तरह से और फिर ये वाले पार्ट को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह ऐसे और फिर ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस दूसरी स्ट्रिप को भी हम सेम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ से भी हम इसी तरह इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये हमारे पास 2 पार्ट्स रेडी हो जाएंगे। 2 पीसेस हमने रेडी करके रखे। इसके साथ हम ये वाले पीसेस को ज्वाइन करेंगे। इनकी मेजरमेंट है हमारे पास 1.5 बाय 6 सेंटीमीटर, 1.5 बाय 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्लू की मदद से इनको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ऐसे हम इस पार्ट पे इनकी ग्लू लगाएंगे और उसके बाद इस स्ट्रिप को हम इसके साथ ऐसे स्टेप कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लगा लें और दूसरी भी स्ट्रिप को हम इसी तरह बना लेंगे, ठीक है। हमारे पीसेस कुछ इस तरह से रेडी हो जाएंगे। अब हम सीजर की मदद से जो हमारी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको हम कट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और दूसरी भी पीस को हम सेम इसी तरह कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस पीस को इस पीस के साथ इस तरह से और दूसरे पीस को भी हम इस तरह से इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। ये ओपन साइड को इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। और दूसरी साइड को भी हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारे पास पीसेस हैं इनको हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू की मदद से हम इनको आपस में जोड़ देंगे कुछ इस तरह से हम ग्लू लगाएंगे और उसके बाद हम इसको आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और दूसरी साइड पे भी हम सेम इसी तरह इसको पेस्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो एक्सेसिव पार्ट्स हैं उनको सीजर की मदद से काट लेंगे। जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे उसके बाद हमने इसको कर लिया, फिर उसके बाद ही हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये भी इस तरह से इसकी मूवमेंट आनी चाहिए। अब हमें टू शीट्स चाहिए, ठीक है, टू शीट्स चाहिए 6x9 सेंटीमीटर की। उसको हमने सेंटर में हाफ किया और हमने स्कोरिंग टूल की मदद से हमने सेंटर में लाइन लगा दी है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे हाफ से। दोनों शीट्स को हम इसी तरह हाफ से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। एक शीट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और दूसरी शीट को हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कार्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको इस तरह से लॉक कर सकते हैं हम अपने कार्ड को, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हार्ट कट करेंगे और उसको सेंटर में से कट कर लेंगे। सेंटर से कट करेंगे और हाफ साइड हम ऊपर पेस्ट कर देंगे और हाफ साइड हम नीचे की साइड पर पेस्ट कर देंगे। हमारा कार्ड कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसको हम इस तरह से इजीली ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको लॉक कर देंगे। ब्लैक पॉइंटर की मदद से हम यहाँ पे लाइंस लगा लेंगे, हाफ साइड तक हम इसको डॉटेड लाइन लगा लेंगे। और ये आज का हमारा लॉक कार्ड रेडी। इसको हम इजीली ओपन करेंगे